हेलो फ्रेंड्स मैं अजीत कुमार आपके यूट्यूब चैनल कंपटीशन कम्युनिटी पे आप सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं तो आइए आज हम लोग ग्रामर का एक नया टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं ये हमारा नया टॉपिक है प्रोनाउन ठीक है तो ये हमारा नया टॉपिक कौन सा है ये हमारा नया टॉपिक है प्रोनाउन आज से हम लोग ग्रामर के इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे और इसको भी हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे जैसे इसके पहले के सारे टॉपिक्स को सारे लेसन्स को हम सब उन्हें पढ़ा था इस प्रोनाउन को पढ़ने के पहले हम लोगों ने नाउन को कवर किया था नाउन के पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट और एग्रीमेंट को कवर किया था और उन सबों को भी हम लोग बेसिक लेवल से लेकर चले थे इसको भी हम बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चलने का प्रयास करेंगे ठीक है बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल बेसिक लेवल से हम आपको प्रोनाउन पढ़ाने का यहाँ पे प्रयास करेंगे ताकि ऐसे बच्चे जो ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं जिनके इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा वीक होती है ऐसे सारे बच्चों को इससे लाभ पहुँच सके। क्योंकि हमारा जो यूट्यूब चैनल है कम्पटिशन कम्युनिटी इसका उद्देश्य ही यही था हम लोग बहुत दिनों से ये चाह रहे थे कि आप सभी बच्चों के लिए एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आएँ जो बिल्कुल निशुल्क हो और जिसका लाभ उठाकर बच्चे सरकारी सेवाओं में नियुक्त हो सकें ठीक है तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सबों ने ये बैच लॉन्च किया ठीक है इसके पहले हम आपको बताते चले कि हमारा जो वीडियो है ये प्रत्येक मंगलवार को और गुरुवार को शाम में पाँच बजे आया करता है अब तक यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि हमारे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें ठीक है और इनके अलावा भी ये जो आपको निशुल्क सेवा दी जा रही है इसके अलावा भी हमारा ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जिसमें आपका पीडीएफ नोट्स भी इंक्लूड है और प्रैक्टिस सेट भी इंक्लूड है ये सारी सेवाएं हम लोग आपको निशुल्क उपलब्ध कराते हैं किसी भी प्रकार का कहीं कोई हिडन शुल्क इसमें नहीं ठीक है।, है और आप में से यदि किसी बच्चे को पीडीएफ डाउनलोड करने में या सेट क्वेश्चन जो आपको उपलब्ध कराए जाते हैं उसमें यदि आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यूट्यूब के लिंक में या यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको लिंक गिवन होता है उसमें कुछ कॉन्टैक्ट नंबर गिवन होते हैं आप उस पर बेधड़क निसंकोच कॉल कर सकते हैं और कॉल करके आप उसके रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं आपको सारी सेवाएं हम लोग उपलब्ध कराने का भरसक प्रयास करेंगे ठीक है आइए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो देखिए आज का हमारा ये जो टॉपिक है टॉपिक क्या है हमारा तो हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। इसमें देखिए सबसे पहले ये जो प्रो है प्रो का मीनिंग क्या होता है के बदले में किसी के बदले में और ये नाउन जिसके बारे में हम लोग इसके पहले के सारे लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं नाउन क्या था भाई नाम था ठीक है और नाउन के बारे में ढेर सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिटेल में देखा था पढ़ा था सीखा था और उस पर बेस्ड आपके ऐसे ऐसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन को भी हम सबों ने सॉल्व किया था ठीक है चलिए तो अब ये जो प्रोनाउन है इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं तो हिंदी ग्रामर में आप इसी को पढ़ते हैं सर्वनाम के रूप में ठीक है अब हिंदी ग्रामर में सर्वनाम जो पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग सर्वनाम क्या है भाई यह प्रोनाउन हम लोगों ने बचपन से जो सीखा है उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन क्या है भाई तो एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है जिसका प्रयोग हम लोग किसी नाउन के बदले में करते हैं जो किसी नाउन के बदले में आता है नाउन के स्थान पर आता है अब आपके मन में एक आ, सवाल उठना चाहिए सवाल क्या उठना चाहिए कि ठीक है जब ये नाउन ऑलरेडी अवेलेबल है हम लोगों के पास तो इस नाउन के बदले में इस पूरे प्रोनाउन का यूज़ क्यों किया जाए क्वेश्चन मार्क ठीक है तो ये हम सबों के मन में एक ख्याल आना चाहिए कि जब नाउन ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है या होता है तो उसके बदले में हम दूसरे शब्द का प्रयोग क्यों करें ठीक है बात समझ में आ रही है क्यों करना चाहिए हम लोगों को प्रोनाउन का यूज़ तो प्रोनाउन का यूज़ दो कारणों से होता है सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि अभी यूपी में चुनाव चल रहा है और भी कई राज्यों में चुनाव हैं और होते ही रहते हैं भारत है यहाँ पे हमेशा कहीं कही ना कहीं कोई ना कोई चुनाव होता ही रहता है कोई ना कोई त्यौहार भी होता ही रहता है ठीक है अब जरा देखिए तो मान लीजिए किसी चुनाव में जो रैली आती है उस रैली में अलग अलग जगहों से जो लोग आते हैं तो जो भी नेता जी वहाँ पे स्टेज पे खड़े हों वो यदि कहें कि हम पटना से आए हुए मिस्टर राजू का बहुत स्वागत करते हैं लखनऊ से आए हुए राजू का बहुत स्वागत करते हैं त्रिवेंद्रम से आए हुए सौरभ का बहुत स्वागत करते हैं ठीक है क्योंकि एक ही नाम के कई कैंडिडेट हो सकते हैं मान लीजिए अलग अलग शहरों से आने वाले कई कैंडिडेट्स का नाम हो राहुल तो वो सबका अलग अलग नाम लेंगे बोलेंगे दिल्ली से आए हुए राहुल का हम स्वागत करते हैं त्रिवेंद्रम से आए हुए राहुल का स्वागत करते हैं कोलकाता से आए हुए राहुल का हम स्वागत करते हैं अब जरा देखिए राहुल जो वर्ड था राहुल सबसे पहले है क्या तो नाउन है नाम है किसी का ठीक है अब ये जो नेम है ये कई बार रिपीट हो रहा है ठीक है और इस तरीके से यदि कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी को संबोधित करने का प्रयास करे तो वो अपने स्पीच को बाद में डिलीवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा उसका मैक्सिमम टाइम नाउन को रिपीट करते करते समाप्त हो जाएगा ठीक है अर्थात कि उसका जो की कंटेंट है जो मुख्य चीज़ें हैं उसको वो शायद बता ही नहीं पाए बोल ही नहीं पाए ठीक है तो अब इंग्लिश ग्रामर की बात हम लोग करते हैं इंग्लिश ग्रामर कहता है कि हम नाउन को रिपीट नहीं होने देंगे नाउन को रिपीट नहीं होने देंगे नाउन को दोहराने नहीं देंगे तो सबसे पहला काम कि प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं हम लोग तो प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग करते हैं टू प्रिवेंट द रिपीटिशन ऑफ नाउन क्यों करते हैं नाउन के रिपीटिशन को पुनरावृत्ति को दोहराने से रोकने के लिए बचाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं प्रोनाउन का ठीक है बात समझ में आ रही है दूसरा क्या क्राइटेरिया है भाई अब जरा देखिए यदि कोई भी सेंटेंस हो कोई बड़ा सा हम सेंटेंस लिखें उसमें नाउन को बार बार रिपीट करें तो पहली बात कि यदि हम रिपीट करेंगे या बोलेंगे तो जो सेंटेंस होगा रिटेन फॉर्मेट में हो या वर्बल फॉर्मेट में हो मौखिक हो या लिखित हो ठीक है दोनों में से किसी भी फॉर्म में हो रूप में हो उस वाक्य की लंबाई बढ़ती चली जाएगी ठीक है तो नाउन को रिपीट होने से बचाने के लिए और वाक्य को छोटा बनाने के लिए वाक्य के लंबाई को छोटा करने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं प्रोनाउन का तो प्रोनाउन का प्रयोग दो कारणों से हुआ पहला क्या तो टू तो प्रिवेंट द रिपीटिशन ऑफ नाउन दूसरा सेंटेंस को छोटा बनाने के लिए इन दो कारणों से हम लोग किसका प्रयोग करते हैं प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं ये बात समझ में आ गई चलिए अब ये बात जब आपको समझ में आ गई तो इसके बाद हम लोग चलें कि जैसे हम लोगों ने नाउन को पढ़ा था कि अलग अलग बेसिस पे अलग अलग आधार पे नाउन को अलग अलग टाइप्स में बांटा गया था ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड सो ऑन ठीक है अब हम उसकी तरफ जाना नहीं चाहेंगे डिटेल में क्योंकि इससे अपना टाइम किल होगा तो अब हम लोग प्रोनाउन के बारे में चर्चा करें क्या प्रोनाउन के भी टाइप्स होते हैं बिल्कुल होते हैं और यदि प्रोनाउन के टाइप्स होते हैं तो वो कौन कौन से हैं इनको हम लोग कैसे याद रखें जैसे नाउन के तो केवल फाइव टाइप्स आप सब अपने बचपन से पढ़े थे उनके अलावा भी कई टाइप्स होते हैं जिसको हम लोगों ने सीखा अब प्रोनाउन की बारी है अब प्रोनाउन को आइए हम लोग सीखना शुरू करते हैं देखते हैं प्रोनाउन के कितने टाइप होते हैं और ये कौन कौन से होते हैं तो प्रोनाउन के जो टाइप्स होते हैं ये टोटल इलेवन टाइप्स होते हैं कितने टाइप्स ग्यारह टाइप्स होते हैं अलग अलग बुक में अलग अलग, अलग आपको दिखाई पड़ता है बेसिकली मैक्सिमम जगहों पे एट टू टेन और एक स्टैंडर्ड तौर पे हम लोग बात करें तो इसके टोटल टेन टाइप्स होते हैं कितने दस टाइप्स होते हैं किसके प्रोनाउन के अब इनको याद रखना काफ़ी आसान है कैसे आसान है क्यों आसान है आइए थोड़ा सा इसकी तरफ हम लोग चलते हैं तो इनको याद रखना बड़ा आसान है देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में डी इसको याद रखेंगे डी टू डी के बाद क्या आता है ई इसको याद रखेंगे ई टू डी ई दो अल्फ़ाबेट साथ वाले हो गए आई टू आई आई के साथ टू अब इसके बाद पी पी के साथ टू फिर आर आर के साथ थ्री अब देखिए ये है क्या इसको जरा काउंट करके देखिए टू टू फोर टू सिक्स टू एट और थ्री इलेवन टोटल ये हो गए इलेवन ठीक है अब इन इलेवन को हम लोग सीखें कि ये इलेवन क्या है ये डी ई आई पी आर क्या है भाई इसको हम लोग सीखें तो सबसे पहले आप जिस टाइप को जानते हैं उसी से हम लोग शुरुआत करते हैं पी टू से पी टू में पहले नंबर पे आता है पर्सनल प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन दूसरे नंबर पे पोसेसिव दूसरा नंबर पे पोसेसिव फिर डी की तरफ चलते हैं अब यहां से थोड़ा सा अल्फाबेटिकली आते हैं हम लोग तो डी टू में पहला क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव डेमोन्स्ट्रेटिव फिर डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव अब डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद चलते हैं ई में ई क्या है भाई तो पहला एक्सक्लेमेटरी दूसरा क्या है तो दूसरा है इम्फेटिक तो देखिए यदि ऊपर में हम लोग बात करें तो ये डी हमारा हो गया ई हो गया पी हो गया अब बचे हैं क्या हमारे पास तो हमारे पास बचा है आई टू एंड आर तो अब हम लोग चलते हैं I2 टू एंड आर की तरफ देखिए आई में जो दो है इसका पहला क्या है तो पहला इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव दूसरा क्या है इंडिफिनेट ये आई टू भी हो गया हमारा अब हमारे पास क्या बचा आर आर क्या है भाई इसको याद रखना काफी आसान है आर में सबसे पहले नंबर पे हम लोग रखते हैं रिलेटिव ज रिलेटिव प्रोनाउन फिर रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फिर रेसिप्रोकल ठीक है तो ये थे हमारे डी टू ई टू आई टू पी टू एंड आर थ्री ये सारे अलग अलग टाइप के प्रोनाउन हैं ये टोटल टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हो गए इसमें से बेसिक आठ हैं और तीन है डेराइव्ड डेराइव्ड कौन कौन है भाई इनको भी जरा हम लोग पहचाने हाँ ये इनको हम लोग पहचान ये पॉसेसिव डेराइव्ड हैं, एक्सक्लामेटरी डेराइव्ड हैं, इम्फेटिक डेराइव्ड है अब ये पोर्सनल से डेराइव होके बना पॉसेसिव, ठीक है पोर्सनल से डेराइव होके बना पोसेसिव इंटेरोगेटिव से डेराइव होके बना एक्सक्लामेटरी और ये देखिए ये रिफ्लेक्सिव से डेराइव होकर बना इम्फेटिक ये दोनों एक ही वर्ड होते हैं जिनके लास्ट में सेल्फ या सेल्फ लगा होता है ठीक है और ये रिलेटिव इंटरोगेटिव ये करीब करीब एक ही होते हैं क्वेश्चन मार्क लगा होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं इंटेरोगेटिव और फुल स्टॉप हो तो हम लोग कहते हैं रिलेटिव दूसरा भी डिफरेंस है कि इसका जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर शुरू होता है क से और वही डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव वर्ड जब रिलेटिव प्रोनाउन का रोल प्ले करता है इसको जब हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका फर्स्ट लेटर शुरू होता है ज से ठीक है बात समझ में आ रही है तो इन सबों की चर्चा हम लोग करेंगे डिटेल में कैसे करेंगे डिटेल में करेंगे अब आइए सबसे पहले हम लोग प्रोनाउन पे थोड़ा सा वर्कआउट करना शुरू करते हैं देखें प्रोनाउन कैसे हम लोग यूज़ करते हैं तो यहाँ से चलते हम लोग स्लाइड को आगे की ओर ले चलते हैं और इस टेबल की तरफ हम लोग बाद में आते हैं ये जो टेबल आप देख पा रहे हैं इसको हम लोग थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन पे यहाँ कुछ सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं ठीक है यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस आपको गिवन हैं अब इन सारे सेंटेंसेस में हम लोग नाउन के बदले प्रोनाउन का यूज़ करना शुरू करेंगे यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग यदि चर्चा करें तो ये राम क्या है प्रॉपर नाउन ठीक है जिसको आप बचपन से जानते हैं इस राम के बदले यदि आपसे प्रोनाउन यूज करने के लिए कहा जाए तो आप क्या यूज़ करेंगे ही का यूज़ करेंगे अर्थात पर्सनल प्रोनाउन ही का प्रयोग हम लोग सिंगुलर नंबर सिंगुलर नंबर में मेल के लिए करते हैं पुरुष के लिए करते हैं ही का यूज़ किसके लिए करते हैं सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए करते हैं एक वचन में करते हैं एक वचन पुरुष के लिए हम लोग नाउन के बदले यूज करते हैं प्रोनाउन ही का यहीं पे देखिए लास्ट में मीरा का यूज़ किया गया है इस मीरा जो एक महिला है या लड़की है फीमेल है Osionfish. इसके लिए यदि हमें प्रोनाउन का यूज़ करना हो तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे तो हम लोग यूज़ करेंगे सी ठीक है तो अर्थात यहाँ से हम लोग ये निष्कर्ष निकालते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन सी का प्रयोग पर्सनल प्रोनाउन सी का प्रयोग एक वचन में महिला के लिए किया जाता है किसके लिए एक वचन महिला के लिए हम लोग प्रोनाउन सी का यूज़ करते हैं ठीक है नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़े हम लोग ये देखिए कॉमन नाउन है बॉय अब इस बॉय के बदले हमें यूज़ करना हो तो बॉय क्या है मेल है कैसा है सिंगुलर है तो इस द बॉय के बदले भी हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं ही अर्थात यहाँ पे फिर से हम देख पा रहे हैं कि सिंगुलर नंबर एक वचन पुरुष के लिए हम क्या यूज़ करते हैं प्रोना पर्सनल प्रोनाउन ही का यूज़ करते हैं ठीक है अब यहाँ के बाद थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न होगा अब हम आपको लेकर चलेंगे थोड़े से कन्फ्यूजन वाले सेक्शन में यहाँ देखिए इस थर्ड वाले सेंटेंस में द लायन फोर्ट अभी जो लायन है लाइन के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं तो सामान्य तौर पे किसी भी एनिमल के लिए जानवर के लिए हम लोग पर्सनल प्रोनाउन इट का प्रयोग करते हैं किसका प्रयोग करते हैं पर्सनल प्रोनाउन इट का प्रयोग करते हैं ठीक है अब आप में से कुछ बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े हैं तो हम आपको बताते चले कि फेबल्स जो होते हैं फेबल क्या होते हैं भाई तो देखिए सबसे पहले उसका स्पेलिंग देख ली हम लोग ये फेबल अब फेबल या फेबल भी आपको नहीं समझ में आता है तो हम आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं फेबल क्या होते हैं भाई तो ऐसा कोई भी स्टोरी जो एनिमल्स पर बेस्ड होता है किस पर बेस्ड होता है एनिमल्स पे बेस्ड होता है ठीक है जैसे आपने देखा द दे जंगल ब्रुक जिसमें मोगली वाली आप स्टोरी कार्टून में देखे होंगे पंचतंत्र की कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी तो पंचतंत्र की कहानियों में आपको जो मोरल टीचिंग्स दिए जाते हैं उसमें जितने भी स्टोरीज़ हैं सब जानवरों पे आधारित है बट उसका मोरल टीचिंग क्या है भाई फॉर ह्यूमन किसके लिए है इंसानों के लिए है। ठीक है तो यदि कोई जानवरों वाली स्टोरी हो तो उस स्टोरी में ही और सी का यूज़ हम लोग करते हैं रेस्पेक्टिवली एनिमल्स के लिए ठीक है जो माइटी है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ही जैसे डॉग थोड़ा सा माइटी होता है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ही कैट थोड़ी कमजोर होती है उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग सी ठीक है तो जनरली सामान्य तौर पे एनिमल के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं इट का यूज़ करते हैं और करेंगे किंतु यदि कोई फेबल हो तो वहाँ पर एनिमल्स के लिए ही का यूज़ कर सकते हैं सी का यूज़ कर सकते हैं एकॉर्डिंग टू नीड अकॉर्डिंग टू सेंस ठीक है नेक्स्ट यहाँ आते हैं टीचर अब टीचर क्या भाई ये कॉमन नाउन है तो अब जरा देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे आपके एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न होता है कन्फ्यूज़न कैसे होता है तो आपके एग्ज़ाम में कुछ सेंटेंसेस गिवन होते हैं और उसमें ही और सी में कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि उस सेंटेंस में ये पता ही नहीं चलता कि जहाँ पे आपको प्रोनाउन का यूज़ करना है वो मेल है या फीमेल है जैसे टीचर मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं ए स्टूडेंट मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं डॉक्टर मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं ठीक है बात समझ में आ रही है तो ऐसे कुछ नाउन होते हैं जिनका जेंडर स्पेसिफाई नहीं होता है इनके लिए ग्रामर में परमिशन है आप ही और सी का प्रयोग कर सकते हैं ठीक है लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा सा मतभेद क्रिएट होता है मतभेद क्यों क्रिएट होता है भाई कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट होता है क्योंकि क्यों यहाँ पे मैक्सिमम टाइप मैक्सिमम uh, टाइम में आपको आंसर के रूप में दिखाई देता है ही फैमिली क्या दिखाई देता है ही फैमिली ही फैमिली अर्थात ही हिज हिज हिम ठीक है बात समझ में आ रही है उसकी तरफ हम लोग आते हैं थोड़ी देर के बाद अब इनकी कहानी क्या है इसको जरा समझें इस टीचर वर्ड से स्टूडेंट से डॉक्टर से इसके जेंडर का सेंस एक्सप्रेस से नहीं होता है ठीक है तो यदि कोई भी ऐसा नाउन ऐसा कोई भी सेंटेंस हो जहाँ पे हमें ये जेंडर क्लियर नहीं हो पाए कि उसका जेंडर मेल है या फीमेल है ठीक है तो ऐसे सेंस में हम लोग प्रेफर करते हैं प्रोनाउन ही का किसका प्रोनाउन ही को प्रेफर करते हैं लेकिन जैसे ही जेंडर स्पेसिफाई हो जाए उस सेंस में हम लोग यूज़ करेंगे प्रोनाउन सी फैमिली का सी फैमिली अर्थात सी हर हर्स एंड हर ठीक है तो वो हम लोग टेबल के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे ये बात आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी तो यदि द टीचर के बदले हमें कोई प्रोनाउन यूज करना पड़े तो हम लोग क्या प्रेफर करेंगे ही का प्रयोग हम लोग प्रेफर करेंगे नेक्स्ट अब यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे चलते हैं बच्चों देखिए है, ये द चाइल्ड द बेबी अब ये जो चाइल्ड है उसका भी जेंडर स्पेसिफाई नहीं है ठीक है वोटिन से नीचे का जो चाइल्ड होता है उसका जेंडर स्पेसिफाई नहीं होता या इस चाइल्ड वर्ड से जेंडर स्पेसिफाई नहीं हो पाता है इस बेबी वर्ड से जेंडर स्पेसिफाई नहीं हो पाता है इन दोनों के लिए आप देखेंगे कि इंग्लिश में कॉमनली मैंने सामान्य तौर पे हम लोग प्रोनाउन इट का यूज़ करते हैं इट प्लेड इट प्लेड बात समझ में आ रही है तो यहाँ पे फिर से आपको कन्फ्यूज़न होता है कन्फ्यूज़न होने का रीज़न है क्योंकि इट का यूज़ हम सबों ने जो बचपन से पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग इट का प्रयोग किया जाता है नॉन लिविंग के लिए किसके लिए नॉन लिविंग के लिए ठीक है अब ये जो चाइल्ड है ये जो बेबी है ये तो नॉन लिविंग नहीं ठीक है बात समझ में आ रही है अब यहाँ पे इंग्लिश की जो कहानी है ये थोड़ी सी अजीबो गरीब है अजीब गरीब होने का रीज़न ये है क्योंकि इंग्लिश ग्रामर कहता है कि हम लिविंग सिर्फ उसी को मानते हैं हम लिविंग सिर्फ़ और सिर्फ उसी को मानते हैं जो फिज़िकली फिट हो और सेक्सुअली फिट हो और मेंटली भी फिट हो तो कम से कम दो क्राइटेरिया को फुलफ़िल करें वो मेंटली फ़िट हो और सेक्सुअली फिट हो बात समझ में आ रही है यही कारण है कि आप देखेंगे कि कोई भी जानवर जैसे हम एक साधारण सा एग्जाम्पल लेते हैं काऊ का तो काऊ हो ऑक्स हो बुल हो आपको सामान्य रूप से सड़कों पे घूमते या चलते फिरते नज़र आ जाते अब जरा आप ध्यान दीजिए इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं आपको एक फिगर के माध्यम से तो मान लीजिए कि ये कोई रोड है ठीक है और इस रोड के बीचों बीच यहाँ पे कोई काऊ बैठ जाए ठीक है और आप इधर से कार लेकर आते हैं कैसे आते हैं आप बाई कार आते हैं ठीक है तो कार चलाते हुए इधर से आ रहे हो या उधर से आ रहे हो बीच सड़क पे काऊ बैठी हुई हो आप हॉर्न बजाते रहिए कभी हटे कि नहीं हटती, बात समझ में आ रही है क्योंकि ये जो काऊ है ऑक्स है या ऐसे कोई जो जानवर हैं उनको कार के हॉर्न से कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे काऊ बछड़े को जन्म देती है काऊ सेक्सुअली फिट है बट यहाँ पे मेंटली फिट नहीं हो सकी बात समझ में आ रही है तो हमारे आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो मेंटली ज़रूर फिट होते हैं सेक्सुअली फिट नहीं होते हैं तो जब तक दोनों रूप से वो फिट नहीं हो तब तक इंग्लिश ग्रामर उसको क्या कहता है कि हम इसको मानेंगे नॉन लिविंग और उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे तो प्रोनाउन इट का यूज़ करेंगे बात समझ में आ गए अब यहाँ से चलते हैं आगे की ओर आगे की ओर फिर हम आपको स्लाइड में लेकर चलते हैं और स्लाइड में कुछ चीज़ों को हम लोग यहाँ पर सीखने का प्रयास करते हैं तो यही रीज़न है कि आप यहाँ पे चाइल्ड के लिए किसका यूज़ करते, है? करते हैं इट का यूज़ करते हैं बेबी के लिए किसका यूज़ करते हैं इट का यूज़ करते हैं बात समझ में आ रही है हालाँकि आप इंग्लिश ग्रामर में इंडिया के रेफरेंस में बात करें तो आप देखेंगे कि इंडिया में कभी कभी काउ के लिए सी का यूज़ किया जाता है अर्थ के लिए सी का यूज किया जाता है एस एच ई सी का यूज किया जाता है इसका इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है जिसका गवाह है अलाहाबाद कोर्ट और बाकी केसेस इंग्लैंड तक जाते हैं तो हम इनके इतिहास की तरफ आपको ले जाना नहीं चाहेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पढ़ते हैं ऑनलाइन क्लास में और ऑनलाइन क्लास में कम से कम टाइम में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डिलीवर की जाए ये आप सबों के लिए ज़्यादा है ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब ये देखिए ये है हमारे पर्सनल प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन का ये एक आपको टेबल हमने यहाँ पे प्रस्तुत किया है अब इनमें जरा ध्यान दीजिए यहां पे आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही है क्या क्या दिखाई दे रहा है भाई तो सबसे पहले यहां पे आपको दिखाई दे रहा है सब्जेक्टिव केस यहां दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्टिव केस पहले बोर्ड को क्लीन कर लिया जाए ताकि पहले के लिखी हुई चीजें क्लीन हो जाए ये सब्जेक्टिव केस ये ऑब्जेक्टिव केस ठीक है अब ये दोनों देखिए ध्यान से ये दोनों हैं पॉजिटिव केस और पॉजिटिव केस में ये देखिए ये यह पॉजिटिव ये है पॉजिटिव प्रोनाउन ठीक है अब इनको थोड़ा और विस्तार से हम लोग समझना शुरू करें ये जो सब्जेक्टिव केस आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग नोमिनेटिव भी बोलते हैं क्या बोलते हैं नोमिनेटिव तो इसी को सब्जेक्टिव केस कहिए या नोमिनेटिव केस कहिए दोनों एक ही चीज़ें हैं ये जो ऑब्जेक्टिव केस है इसी को हम लोग एक्यूजेटिव भी कहते हैं एक्यूजेटिव ठीक है एक्यूज दोषारोपण करना आरोप लगाना उसी एक्यूज से बन गया एक्यूजेटिव ठीक है और ये दोनों बचे रहे अपने पॉसिटिव अब सबसे पहले आज के प्रोनाउन के इस क्लास में हम आपको पढ़ाना शुरू करते हैं पर्सनल प्रोनाउन से और पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जो भी पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे एकदम बेसिक से पढ़ेंगे एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे ताकि आगे हमें कोई दिक्कत ना हो ठीक है चलिए अब देखिए ये सारे के सारे इसको पढ़ते कैसे हैं पहले आप ध्यान दीजिए और आपको बुक में कैसे दिखाई पड़ता है तो यदि आप इसके पहले किसी बुक को पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से आपने उस बुक में देखा होगा कि यही टेबल आपको लिखा हुआ दिखाई देता है आई मी और इधर लिखा हुआ दिखाई देता है माई ऑब्लिक माइन ठीक है इस फॉर्मेट में ये टेबल आपको दिखाई देता है कुछ और ज्यादा यदि किसी टेबल में आपको दिखाई दे तो यहाँ पे दिखाई देगा माई सेल्फ ठीक है ऐसा आपको दिखाई देता है अब जरा ध्यान दीजिए इसको बताया गया सब्जेक्टिव केस या नोमिनेटिव केस इसको बताया गया ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस ये बताया गया पॉजिटिव केस क्या बताया गया पॉजिटिव केस और ये क्या है भाई तो ये है रिफ्लेक्सिव ये क्या है ये है रिफ्लेक्सिव ठीक है अब आप इस तरीके से यदि पढ़ते हैं तो थोड़ा सा आप पैसे ऐसे बच्चे जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है उनको आगे चल के कहाँ पर दिक्कत होगा ये ज़रा आप ठीक से सुनिए समझिए नरेशन में अब चूँकि नरेशन आपके एस के हर एग्ज़ाम में आता है कम से कम दो क्वेश्चन इससे रहते ही हैं हर एग्ज़ाम में रहते हैं टीयर वन के हर एग्ज़ाम में रहते हैं इसलिए इसको हम इसी टेबल को जो अभी बोर्ड पे लिख के दिखाए थे उसको हमने इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है और इसी फॉर्मेट में आपको इसको पढ़ना है समझना है याद करना है चीज़ें काफ़ी आसान है चीज़ें वही है केवल फॉर्म थोड़ा सा आगे पीछे हो गया क्या है भाई ये आई ये जो पूरा का पूरा आपको यहाँ टेबल दिखाई दे रहा है इसका यूज़ हम लोग करते हैं सब्जेक्टिव केस में भी ये सब्जेक्टिव केस क्या होता है कोई भी ऐसा वर्ड कोई भी ऐसा वर्ड जिसका यूज हम लोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं वो यदि नाउन हो तो उस नाउन के बदले में हम लोग इनका यूज करेंगे अर्थात ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है आई वी यू ही सी इट दे इन सब का यूज़ हम लोग करेंगे वर्ब के पहले कहाँ यूज़ करेंगे वर्ब के पहले किस रूप में सब्जेक्ट के रूप में केवल इतने से आपके एस सी का काम चल जाता है ठीक है तो इसका यूज़ हम लोग किस रूप में करते हैं तो इसका यूज हम लोग करते हैं सब्जेक्ट के रूप में किस रूप में करते हैं सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट के स्थान पे अब बचपन से हम सबों ने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये इसका फॉर्मेट हम सबों ने बचपन से पढ़ा है तो ये देखिए ये वर्ब के पहले क्या आएगा सब्जेक्टिव केस और वर्ब के बाद क्या आएगा ऑब्जेक्टिव केस इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे और यदि इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो आपके ढेर सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के यूँ ही क्लियर हो जाते ठीक है हालांकि इनके अलावे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे ठीक है तो फिलहाल आप ये समझिए कि आई वी यू ही सी इट दे और एक और वर्ड आता है बोर्ड को थोड़ा हम क्लीन करते चलें ये वन ये वन चलिए वन को ऊपर लिखते हैं नीचे शायद आप में से कुछ लोगों को दिक्कत हो वन ठीक है अब वन का क्या होता है भाई तो वन वंस वंस और ये वन तो ये पूरा का पूरा टेबल वन से लेकर ये दे तक इन पूरे टेबल का इस टेबल में जितने भी वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं वर्ब के पहले करते हैं सब्जेक्ट के रूप में करते हैं किस रूप में करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के रूप में ठीक है अब आगे बढ़ते हैं ये जो लास्ट वाला टेबल है वन से लेकर देम तक वन मी अस यू हिम हर इट देम इस पूरे के पूरे टेबल का यूज हम लोग कहाँ करते हैं तो हम लोग करते हैं ऑब्जेक्टिव केस में कहाँ करते हैं ऑब्जेक्टिव केस में अभी ऑब्जेक्टिव केस भाई हमें नहीं समझ में आता क्योंकि हमारी इंग्लिश बहुत वीक है हम में से कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं ठीक है उनको हम समझाते चले तो अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अर्थात तो वर्ब के बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट आएगा और जहाँ कहीं भी ऑब्जेक्ट आता है वहाँ पे जो भी नाउन लिखा हो उस नाउन के बदले में हम लोग इनका यूज कर सकते हैं नाउन के बदले में इसका यूज हम लोग कर सकते हैं वर्ब के बाद कहाँ करेंगे वर्ब के बाद करेंगे ठीक है तो जहाँ कहीं भी ऑब्जेक्ट आता है उन सारे ऑब्जेक्ट के जगह पे इनमें से किसी भी सूटेबल वर्ड का यूज़ हम लोग कर सकते हैं ठीक है अब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा क्या कन्फ्यूजन होगा भाई वो भी हम आपको बताते चले सर ये जो वन है और यही वन यहाँ पे आकर रिपीट कर गया ठीक है अब हम आपको थोड़ा सा और कुछ कन्फ्यूजन का सेक्शन दिखाते चले ये देखिए यू यहाँ भी लिखा है यू यहाँ भी लिखा है ठीक है हिज़ देखिए यहाँ भी लिखा है हिज़ यहाँ भी लिखा है हर देखिए यहाँ भी लिखा है हर यहाँ भी लिखा है इट देखिए यहाँ भी लिखा है इट देखिए यहाँ भी लिखा है ठीक है तो ऐसे कुछ जगहों पे आप में से कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है तो आप में से किसी भी बच्चे को यहाँ जो कन्फ्यूजन होगा आइए इसके बाद हम लोग सीधा चलते हैं वहीं पे किंतु उस कन्फ्यूजन वाले सेक्शन में जाने के पहले हम आपको यहाँ थोड़ा सा समझाते चले कि ये जो दोनों पॉसेसिव हैं पॉसेसिव में ये पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है दोनों में क्या डिफरेंस है सबसे पहले पॉसेशन का मीनिंग क्या होता है पॉसेशन से बना पॉसेसिव पॉसेशन क्या होता है भाई पॉसेशन का मतलब होता है संबंध अधिकार क्या होता है संबंध या अधिकार ठीक है जैसे हम कहते हैं कि इस पेन का कैप तुम्हारा भाई उस टीवी का रिमोट एंड सो ऑन बात समझ में आ रही है किसका रिमोट टीवी का किसका मकान मेरा किसका मोबाइल मेरा किसका बैंक अकाउंट आपका एंड सो ऑन बात समझ में आ रही है ठीक है तो इसको हम लोग कहते हैं पॉसेसिव अब पॉसेसिव में बोर्ड को थोड़ा सा हम क्लीन करते हैं अब प्रोसेसि में देखें यहाँ पे आपको फिर से दिखाई दे रहा है एडजेक्टिव ये दिखाई दे रहा है प्रोनाउन तो ये दोनों जो है इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसको जरा हम लोग ठीक से समझते हैं अब इनको समझने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं फिर से बोर्ड की तरफ और कुछ सेंटेंस का एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे हम यदि आपसे कहें दिस इज़ माई पेन ठीक है हम फिर से एक सेंटेंस लेते हैं दिस इज माई पेन एंड दैट इज योर पेन दैट इज योर पेन इसको थोड़ा ठीक से लिखे हम दैट इज योर पेन ठीक है अब इन दोनों सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए ऊपर वाले सेंटेंस में देखिए ये माय आ गया ठीक है अब नीचे वाले सेंटेंस की बात करिए देखिए ये माय पेन है और यहाँ पे आ गया योर पेन ये सबसे पहले पेन क्या है पेन क्या है नाउन है नाउन के पहले ये क्या आया देखिए इस टेबल में चले आइए टेबल में जरा ध्यान दीजिए देखिए माई कहाँ लिखा है पॉजिटिव एडजेक्टिव में ठीक है अब एडजेक्टिव कहाँ आता है तो सामान्य तौर पे हम सब लोग बचपन से जानते हैं कि एडजेक्टिव का प्रयोग कहाँ होता है नाउन के ठीक पहले होता है कहाँ होता है नाउन के ठीक पहले होता है इन द सेम वे यहाँ पे ये यह जितने भी आपको एडजेक्टिव दिखाई दे रहे हैं और थोड़ी देर पहले हमने आपको यहाँ पे ये यह वंस भी लिखा था ओ एन ए ए पोस्ट एस ठीक है इन सारे के सारे वर्ड का यूज जहाँ कहीं भी जब भी कभी हम लोग करते हैं तो इनके तुरंत बाद हम लोग यूज़ करते हैं नाउन का किसका यूज़ करते हैं नाउन का दूसरे शब्दों में हम लोग यदि कहें तो हम लोग कह सकते हैं कि इन सबों का यूज़ हम लोग करते हैं नाउन के ठीक पहले अर्थात हमेशा और हमेशा इनका प्रयोग होगा नाउन के साथ ये कभी भी विदाउट नाउन प्रयोग में नहीं लाए जा सकते बिना नाउन का इनका हम लोग इस्तेमाल कभी भी नहीं कर सकते हैं बात समझ में आई आगे बढ़ते हैं चलते हैं जरा इनकी तरफ ये देखिए पोजेसी प्रोनाउन अब ये पोजेसी प्रोनाउन क्या होता है तो सबसे पहले ये क्या है प्रोनाउन है प्रोनाउन का यूज़ कब किया जाता है तो नाउन के बदले में किया जाता है नाउन को रिपीटीसन से पुनरावृत्ति से दोहराने से बचने के लिए उस नाउन की जगह पे हम लोग किसका यूज़ करते हैं तो नाउन की जगह हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन का ठीक है ये बात आपको समझ में आ रही होगी थोड़ी बहुत अब इनको ज़्यादा समझने के लिए हम लोग आते हैं यहाँ पे इस सेंटेंस में देखिए ये जो माई था ये क्या हो गया पॉसेसिव एडजेक्टिव ए डी जे फॉर एडजेक्टिव ठीक है ये पेन क्या था हमारा तो ये था नाउन ठीक है अब यहाँ देखिए ये क्या है माई पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया ये ये पेन क्या हो गया नाउन हो गया यहाँ तक तो क्लियर है अब देखिए ये योर क्या है तो ये है पोसेसिव एडजेक्टिव अब ये फिर से पेन क्या हो गया नाउन है तो अब जरा देखिए ये पेन ऊपर भी रिपीट किया था वही पेन नीचे भी रिपीट कर गया नाउन यहाँ पे रिपीट कर गया कि नहीं इसे नाउन को रिपीट होने से बचाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इस्तेमाल करते हैं पोसेसिव प्रोनाउन का किसका पोसेसिव प्रोनाउन का तो सिंपल से भाषा में यदि हम लोग बात करें तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बदले इस सेंटेंस में इसी क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे योर्स का किसका यूज करेंगे योर्स किसका यूज करेंगे योर्स का आइए योर्स आपको हम टेबल में भी दिखाते हैं ध्यान दीजिए और देखिए यहां पे योर्स कहाँ लिखा है पोजेसी प्रोनाउन अर्थात कि पॉजेसी प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है उस जगह पे जहां नाउन को रिपीट होने से बचाना हो और संबंध अधिकार का सेंस भी एक्सप्रेस करना हो दूसरे शब्दों में यदि हम लोग इसको समझना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि पॉसेसिव प्रोनाउन पॉसेसिव प्रोनाउन इज इक्वल टू पॉसेसिव इज इक्वल टू इक्वल टू पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव प्लस नाउन तो ये जो पॉजेसिव प्रोनाउन जहाँ कहीं भी आएगा ये हमेशा और हमेशा रहेगा अकेले इसके साथ किसी भी नाउन का प्रयोग कभी भी नहीं किया जा सकता और यदि किया जाए तो एरर बनेगा ठीक है बात समझ में आ गई चलते हैं फिर से हम लोग बोर्ड की तरफ यहाँ ज़रा ध्यान दीजिए तो ये योर नाउन के बदले में हम लोगों ने क्या यूज़ कर लिया योर्स क्लियर है बातें समझ में आ गई चलिए यहाँ से चलते हैं आगे अब हम आपको बोर्ड में स्लाइड को थोड़ा सा आगे की ओर ले चलते हैं अब देखिए हम लोगों को यहाँ से क्या क्या समझना है इस सेंटेंस को जरा पढ़िए और पढ़ के चेक करके बताइए अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया सब्जेक्टिव केस का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं वर्ब के पहले ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग कहाँ करते हैं वर्ब के बाद ठीक है यहां देखिए इस सेंटेंस में इस सेंटेंस में देखिए यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है तो सेंटेंस में दिखाई दे रहा है माई सिस्टर माई सिस्टर एंड माई सेल्फ तो चूंकि मेरी बहन बहन की चर्चा हो रही है इसलिए ये क्या हो गया तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट ये क्या हो गया ये क्या हो गया तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट ठीक है और ये माई सेल्फ माइ सेल्फ कहाँ ये आर क्या है तो ये है वो. के पहले आ रहा है वर्ब के पहले आ रहा है तो यहाँ पे माई सेल्फ का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि सब्जेक्ट का यूज करेंगे तो माई सेल्फ का सब्जेक्टिव केस क्या होगा आई क्या होगा आई जरा ध्यान दीजिए आपको याद नहीं आए या नहीं समझ में आ पा रहा हो तो हम स्लाइड को थोड़ा सा पीछे की ओर लेके चलते हैं टेबल में दिखाते हैं ये देखिए ये क्या है आई ठीक है अब आपको माई सेल्फ को लेकर यदि थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा हो कि ये माई सेल्फ कहाँ से आ गया ये क्या होता है तो इसके लिए भी हम आपको तुरंत यहीं पे इसका पूरा टेबल रिफ्लेक्सिव का लिखवा रहे देखिए इसी के साथ हम यहाँ पे यहीं पे हम लिख रहे हैं माई सेल्फ आई का रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक क्या होता है माई सेल्फ वी का क्या होता है तो वी का होता है आर सेल्फ आर सेल्फ्स आर सेल्फ्स यू का दो तरीके से होता है यू का होता है योर सेल्फ योर सेल्फ भी होता है और दूसरा यू का योर सेल्फ भी होता है योर सेल्फ भी होता है यदि केवल एक व्यक्ति के लिए यू का यूज किया गया हो तो रिफ्लेक्सिव इम्फेटिक इसका बनेगा योर सेल्फ और एक से ज्यादा के सेंस में यूज किया गया हो तो इसका रिफ्लेक्सिव इम्फेटिक बनेगा योर ठीक है ही का एक ही बनता है हिम सेल्फ हिम सेल्फ सी का एक ही बनता है हर सेल्फ हर सेल्फ इट का एक ही बनता है इट सेल्फ सेल्फ अब देखा क्या बनता है भाई तो देखा एक ही बनता है देमसेल्व्स देमसेल्व्स अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जिसको सिंगुलर माना जाता है यह ऐसा पर्सनल प्रोनाउन जो सिंगुलर होता है उसके लास्ट में एस ई -E एल एफ सेल्फ लगाकर बनाते हैं उसका रिफ्लेक्सिव एमफेटिक और जिसको हम लोग प्लूरल मानते हैं उसके लास्ट में एस ई -E एल वी ई -E एस लगाकर हम लोग बनाते हैं उसका रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक ठीक है बातें समझ में आ रही है अब इसमें यदि आप में से किसी बच्चे को इसको आप सब लोग जरूर से लिख लीजिए और इस पूरे प्रोनाउन के टेबल को इसी फॉर्मेट में आप याद करेंगे ठीक है और यदि इस फॉर्मेट में आप इसको याद करेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसे बच्चे जिनसे नरेशन के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनते हों ऐसे बच्चे भी नरेशन के क्वेश्चन को एकदम आसान तरीके से फुटबॉल की तरह खेलेंगे ठीक है खेलते खेलते एकदम आसानी से नरेशन के क्वेश्चन को आप बनाएंगे इसी फॉर्मेट में याद करना है आई माई माइन मी वी आर आर एस यू योर योर यू ही हिज हिज हिम सी हर हर्स हर इट इट्स और यहाँ पे कुछ नहीं है इसका पोसेसि प्रोनाउन नहीं होता फिर से इट फिर दे, देर, देम और ऊपर में हमने क्या बताया था तो ऊपर में हमने आपको यहाँ बताया था वन वंस वन और ये वन वन वंस वंस एंड वन अब इन दोनों वंस में अंतर यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है और यहाँ पे केवल एस है ठीक है बात समझ में आ रही है और शायद आप में से कुछ बच्चों को यहाँ पे वन वाले सेक्शन में प्रॉब्लम जा रही हो ड्यू टू कलर ऑफ पेन तो उसको हम ब्लैक से यहाँ पे या ग्रीन से लिखने का प्रयास करते हैं ये वन आ, हमें लगता है ग्रीन भी आपका क्लियर नहीं आ पा रहा है डार्क ही यूज़ करना होगा चलिए ब्लैक ही यूज़ करते हैं ये वन ये यहाँ पे था वंस ये था वंस और ये है वन ठीक है इस तरीके से आपको याद रखना है इस तरीके से आप यदि इनको याद रखेंगे तो आप जनरेशन के क्वेश्चन एकदम इस स्मूथली बनेंगे अब बोर्ड को हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं इसमें भी हम आपको समझाते चले किसको सिंगुलर मानते हैं किसको प्लूरल मानते हैं देखिए ये दे प्लूरल मानते हैं इन तीनों को क्या मानते हैं सिंगुलर मानते यू को क्या मानते हैं पीएल फॉर प्लूरल वी को पीएल फॉर प्लूरल आई को कहीं सिंगुलर मानते हैं और कहीं प्लूरल मानते हैं आई को कहीं सिंगुलर मानते हैं और कहीं प्लूरल मानते हैं ये भी यदि नहीं समझ में आता है हम में से कुछ बच्चों को तो आइए हम उसको भी थोड़ा सा आपके सामने क्लियर करते चले देखिए ये जो आई है इस आई को यदि हम लोग सिंगुलर मानते हैं तो पास्ट में यूज करते हैं इसी के साथ हम लोग वॉज आई वॉज ए स्टूडेंट ठीक है लेकिन जरा देखिए आई हैव काउ यहाँ देखिए आई को मान लिया गया प्लूरल यहाँ पे आई को हम क्या मान लिए प्लूरल यहाँ पे आई को हम क्या मान लिए तो यहाँ पे मान लिए सिंगुलर ठीक है बात समझ में आ रही है अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे चलते हैं और हम आपको थोड़ा सा और कन्फ्यूजन की तरफ लेके चलेंगे प्रोनाउन के टेबल को एक्सप्लेन करते हुए हमने थोड़ी देर पहले आपको टेबल को पढ़ाते हुए बताया था जैसा कि आप इसको अभी भी यहाँ पे देख सकते हैं इस टेबल में हमने आपको बताया था कि ये देखिए यू यहाँ पे रिपीट कर रहा है हिज़ रिपीट कर रहा है हर यहाँ पे रिपीट कर रहा है इट रिपीट कर रहा है और इसी प्रकार से ये जो वन हम लोग पढ़े थे ये वन यहाँ पे रिपीट कर रहा है तो हम में से कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है कि सर ये जो यू है कब सब्जेक्टिव हो जाता है कब ऑब्जेक्टिव हो जाता है ये हमें कैसे पता चलेगा और इसी प्रकार से इस वन में या इट में हमें कैसे पता चलेगा कि कब इसका यूज सब्जेक्टिव केस में हो रहा है कब इसका प्रयोग हम लोग सब्जेक्टिव केस में कर रहे हैं सब्जेक्ट के स्थान पे करेंगे कब इसका प्रयोग हम लोग ऑब्जेक्ट के स्थान पे करेंगे ठीक है तो आइए इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझने समझाने का प्रयास करते हैं एक एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल <coughs> लेते हैं एग्जाम्पल है इट इज इट इज न्यू ही बॉट ही बॉट इट इन दोनों ही सेंटेंसेस में आप जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे इट का प्रयोग दिखाई दे रहा है यहाँ पे इट का प्रयोग आपको दिखाई दे रहा है हमने आपको सिंपली बताया था वर्ब के पहले क्या आता है सब्जेक्टिव केस आता है अर्थात हम लोग सब्जेक्टिव केस का सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे सब्जेक्टिव केस का या नोमिनेटिव केस का प्रयोग करेंगे वर्ब के बाद हम लोग जनरली सामान्य तौर पे ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस का एक्यूजेटिव केस का प्रयोग करते हैं ठीक है अब ज़रा देखिए तो ये देखिए ये क्या है वो है ये क्या है वो वह अब ये देखिए ये वर्ब के बाद आया अर्थात इसका केस क्या हो गया यही हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव केस में किस में हो गया ऑब्जेक्टिव केस में और ये किस में हो गया तो ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव केस में किस केस में सब्जेक्टिव केस में बातें समझ में आई कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं एक दो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यू का चलिए यू हेल्प्ड हर यू हेल्प्ड हर आई हेल्प्ड यू हो गया अब इन दोनों ही इन दोनों ही सेंटेंसेस में देखिए यहाँ पे यू का प्रयोग किया गया किसका प्रयोग किया गया यू का प्रयोग यहाँ पे किया गया अब इस यू को जरा आप ध्यान से देखिए दोनों ही सेंटेंसेस में ये हेल्प क्या है वर्ब है क्या है वर्ब है ये किसके पहले आया वर्ब के पहले वर्ब के पहले आया अर्थात ये किस केस में है तो ये है सब्जेक्टिव केस में कौन से केस में है ये सब्जेक्टिव केस में और ये देखिए चूंकि वो आपके के बाद लिखा गया है इसलिए ये कौन से केस में ये है ऑब्जेक्टिव केस में कौन से केस में ऑब्जेक्टिव केस में बात समझ में आई तो यदि इट हो यू हो या वन हो ओ एन ई वन हो इन तीनों में से किसी का प्रयोग यदि वर्ब के, के पहले किया गया हो तो हम लोग उसको समझेंगे सब्जेक्टिव केस में और यदि इन तीनों में से किसी का प्रयोग वर्ब के बाद किया गया हो तो हम लोग उसको समझेंगे ऑब्जेक्टिव केस में क्लियर है अब चलिए कुछ और कन्फ्यूज़न है आपका इस टेबल में देखिए कहाँ पे कन्फ्यूजन है तो वो कन्फ्यूज़न है इन दोनों हिज में इन दोनों हर में ठीक है तो इसको भी हम लोग सिंपली समझ सकते हैं चूँकि ये नाउन के ठीक पहले आता है नाउन के साथ आता है तो हर का प्रयोग यदि नाउन के पहले किया गया हो तो हम लोग इसको मानेंगे पॉजिशिव एडजेक्टिव में और हर का प्रयोग यदि वर्ब के बाद किया गया हो तो इसी को मानेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस में ठीक है और कुछ इसी तरीके से इन दोनों हिज़ के साथ भी है यदि हिज़ का यूज़ किया गया हो नाउन के ठीक पहले नाउन के साथ में तो हम लोग इसको मानेंगे पॉजिशिव एडजेक्टिव और बिना नाउन का प्रयोग किया गया हो हिज़ का तो हम लोग इसको मानेंगे पॉजिशिव प्रोनाउन आइए एक एक इनका भी एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से इनको भी हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं जैसे हम यहां पे यूज करते हैं हिज इज न्यू ठीक है दिस इज हिज पेन इन दोनों ही सेंटेंस में जरा आप ध्यान दीजिए ये पेन क्या है नाउन है ये नाउन के पहले आया तो इसको हम लोग क्या मानेंगे इसी को मानेंगे हम लोग पोसेसिव एड्जेक्टिव और ये देखिए ये बिना नाउन का यूज़ किया गया है वर्ब के पहले है वर्ब के पहले है तो ये काम कर रहा है सब्जेक्टिव केस का सब्जेक्ट का, का काम कर रहा है लेकिन चूंकि ये बिना नाउन का लिखा गया है तो हम लोग इसको क्या मानेंगे हम लोग इसी को मानते हैं पोसेसिव प्रोनाउन पोसेसिव प्रोनाउन मानेंगे ठीक है चलिए एक हर का एग्जाम्पल लेते हैं आई लाइक आई लाइक हर दूसरा दूसरा एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग हर इज लॉन्ग एंड छोड़िए इसको थोड़ा काट के लिखते हैं हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हर्स इज लॉन्ग सिल्की एंड साइनी लॉन्ग सिल्की लॉन्ग सिल्की एंड साइनी अब देखिए इन दोनों ही सेंटेंसेस में हम लोग इनको सीखने का प्रयास करें ये सबसे पहले लाइक क्या है वो ये वर्ब के बाद आ रहा है अर्थात ये कौन से केस में चला गया तो ये चला गया ऑब्जेक्टिव केस में कौन से केस में चला गया ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ देखिए हर्ष का यूज़ किया गया वर्ब के पहले यूज किया गया वर्ब के पहले आया है अर्थात ये काम कर रहा है सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस में है नोमिनेटिव केस में ठीक है लेकिन जरा ध्यान दीजिए ये बिना नाउन का यूज किया गया है अब आपके एग्ज़ाम में यदि यहाँ पे हर वर्ड का यूज़ कर लिया जाए हर इज़ लॉन्ग सिल्की एंड साइनी इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए अब जरा आप यहाँ पे देखिए इस हर का प्रयोग नाउन के साथ किया गया है क्या इसके साथ नाउन है क्या नहीं है तो यदि नाउन का प्रयोग यहाँ पे नहीं है दूसरा कोई नाउन आपको इसके बाद दिखाई नहीं पड़ रहा हो तो आप सिंपली इसको चेंज कर देंगे किस में हर्स में अब यह हर्स क्या है देखिए इसका प्रयोग किया गया बिना किसके बिना नाउन के बिना नाउन के अर्थात ये क्या हो गया पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया क्या हो गया ये पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया डाउट क्लियर है चलिए तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं स्लाइड की तरफ और कुछ क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो आइए स्लाइड को थोड़ा सा हम लोग मूव करें और यहाँ से आइए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले बोर्ड को क्लीन कर लिया जाए अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें ये माई सिस्टर क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया एस यू बी जे अर्थात ये सब्जेक्ट है और ये भी क्या है ये क्या है वर्ब है वर्ब के पहले आया अर्थात ये भी क्या है सब्जेक्ट है तो माई सेल्फ की जगह में क्या लिखना होगा आई क्या लिखना होगा माई सेल्फ की जगह आई का प्रयोग करना होगा ठीक है नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड को थोड़ा सा आगे की ओर लेकर हम लोग अगले स्लाइड में आते हैं यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए माय अंकल फोर्स्ड माय फ्रेंड एंड आई अब ये 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 देखिए फोर्स क्या है तो ये है तो वर्ब अब इस वर्ब के बाद देखिए माय फ्रेंड आया तो माय फ्रेंड क्या हो गया ये ऑब्जेक्ट हो गया ये क्या है आई है आई का प्रयोग किस केस में होता है सब्जेक्टिव केस में वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस आएगा क्या नहीं आएगा वर्ब के बाद हमें क्या यूज करना होगा तो वर्ब के बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट आता है तो आई के टेबल को देखिए और आई के टेबल को याद करते हुए आप बताइए आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है तो होता है मी तो यहाँ पे जो आई का यूज़ किया गया आई की जगह हमें क्या यूज़ करना होगा तो हम लोगों को यूज़ करना होगा मी का क्लियर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं आइए यहाँ पे हम लोग देखें कि यहाँ पे हम लोगों को क्या सीखना है इस क्वेश्चन में देखिए व्हाट रियली मैटर्स इन द स्ट्रगल फॉर लाइफ इज टू ओवरकम वंस फियर ये देखिए वंस वंस के बाद ये क्या है फियर क्या है नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ठीक है अब देखिए व्हाट रियली मैटर्स इन इन यहां पे द स्ट्रगल फॉर लाइफ इन वंस इन वंस स्ट्रगल फॉर लाइफ इज टू ओवरकम वंस फियर ठीक है अब ये देखिए ये स्ट्रगल क्या है भाई तो ये नाउन है नाउन के पल ये क्या गया पॉजिशिव एडजेक्टिव ठीक है यहाँ भी नाउन के पल क्या है पॉजिशिव एडजेक्टिव नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हम लोग इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए आंसर करने का आप खुद से एक बार प्रयास कीजिए क्वेश्चन पूछा गया है आपके एस एस सी सी एच एस एल दो हजार सोलह में द प्रिंस एंड द प्रिंसेस मेड हिज वे अब जरा ध्यान दीजिए आज ही के क्लास में अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको प्रोनाउन के स्टेबल को पढ़ाते हुए बताया था कि ये है सिंगुलर तो सिंगुलर नंबर एक वचन पुरुष के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं तो सिंगुलर नंबर एक वचन पुरुष के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं ही का <coughs> सिंगुलर नंबर एक वचन स्त्री के लिए महिला के लिए हम लोग यूज करते हैं सी का सिंगुलर नंबर एक वचन नॉन लिविंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इट का और जैसे ही एक से ज़्यादा की चर्चा हो किसकी चर्चा हो एक से ज़्यादा की चर्चा हो तो सबके लिए हम लोग यूज़ करते हैं दे का अर्थात पुरुष एक से ज़्यादा हो तो भी हम यूज़ करेंगे दे दे फैमिली का महिला एक से ज़्यादा हो तो भी हम यूज़ करेंगे दे फैमिली का नॉन लिविंग चीज़ें एक से ज़्यादा हो तो भी हम यूज़ करेंगे दे फैमिली का ठीक है अब ये आई जो है इसको कौन सा पर्सन हम लोग मानते हैं इस पर्सन की चर्चा भी आइए आज के क्लास में हम लोग यहाँ पे करते चले तो आई को हम लोग कौन सा पर्सन मानते हैं इसको मानते हैं हम लोग फर्स्ट पर्सन वी को क्या मानते हैं इसको भी मानते हैं फर्स्ट पर्सन आई और वी इन दोनों को मानते हैं फर्स्ट पर्सन यू को मानते हैं हम लोग सेकेंड पर्सन यू को क्या मानते हैं सेकेंड पर्सन आई वी और यू इन तीनों को छोड़ के बाकी दुनिया के जितने भी नाउन हैं प्रोनाउन हैं, सब के सब को हम लोग मानते हैं थर्ड पर्सन क्या मानते हैं हम लोग थर्ड पर्सन मानते हैं अब पर्सन का डेफिनेशन क्या है भाई तो ये सारे क्या हो गए ये सारे के सारे हो गए थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन ठीक है ये दोनों क्या थे ये दोनों थे फर्स्ट पर्सन आई और वी क्या थे फर्स्ट पर्सन ठीक है अब जरा ध्यान दीजिए इंग्लिश में बड़े विडंबना की बात है कि इसमें रट्टा मार लिया गया कि आई और वी हमेशा क्या होगा तो हमेशा होगा फर्स्ट पर्सन यू क्या होगा हमेशा सेकेंड पर्सन और रिमेनिंग क्या होंगे हमेशा थर्ड पर्सन भाई जरा साधारण सा एक एग्जाम्पल लीजिए मान लीजिए हम कहते हैं मोदी ने मनमोहन को कहा मोदी ने नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह से कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू बागी है मान लीजिए एक एग्जाम्पल ठीक है अब जरा ध्यान दीजिए तो कहने वाला कौन था नरेंद्र मोदी तो नरेंद्र मोदी क्या हो गया फर्स्ट पर्सन क्योंकि डेफिनेशन क्या है स्पीकर इज बोलने वाला क्यों हम लोग क्या कहते हैं बोलने वाले को हम लोग क्या कहते हैं तो बोलने वाले को हम लोग कहते हैं फर्स्ट पर्सन जिससे कहा जाता है या जो बात को सुनता है जो लिसनर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं सेकेंड पर्सन और बोलने वाला सुनने वाले से जिसके बारे में चर्चा करता है जिसके बारे में बताता है जिसके बारे में कुछ कहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं थर्ड पर्सन अब जरा देखिए नरेंद्र मोदी तो नरेंद्र मोदी क्या हो गए फर्स्ट पर्सन मनमोहन सिंह क्या हो गए सेकेंड पर्सन नवजोत सिंह सिद्धू क्या हो गए थर्ड पर्सन और ज़रा ध्यान दीजिए तीनों ही मेल है तीनों ही प्रॉपर नाउन है तीनों के बदले यदि हम लोगों को प्रोनाउन यूज़ करना हो तो तीनों के लिए हम लोग कौन सा फैमिली यूज़ करेंगे ही फैमिली बात समझ में आ रही है बट इंग्लिश ग्रामर में ऐसा होता नहीं है इंग्लिश ग्रामर मेरा रटा रटा पैटर्न है आई और वी फर्स्ट पर्सन यू है सेकेंड पर्सन और बाकी सारी चीज़ें थर्ड पर्सन ठीक है बात समझ में आई चलिए तो हम लोगों को इसी पैटर्न को फॉलो करना होगा ठीक है क्योंकि ये अपनी भाषा है नहीं कि इसमें हम लोग कहीं कोई परिवर्तन कर सकें या करा सकें तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे थे इस क्वेश्चन में जरा ध्यान दीजिए प्रिंस यानी राजकुमार प्रिंसेस राजकुमारी और आप सब लोग बचपन से जानते हैं नहीं जानते हैं तो अब कम से कम सीख लीजिए ये दोनों क्या हैं अलग अलग नाउन है ठीक है और दोनों के साथ देखिए अलग अलग आर्टिकल का यूज किया गया यदि कोई भी दो सिंगुलर नाउन आपस में एंड से कनेक्टेड हो, जुड़े हुए हो, और दोनों के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो या दूसरे शब्दों में कहें कि यदि कोई दो सिंगुलर नाउन आपस में एंड से कनेक्टेड हो और दोनों के पहले आर्टिकल का प्रयोग आपको दिखाई दे तो इससे दो अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है और तब इसी को हम लोग मानते हैं प्लूरल वर्ब यूज करते हैं इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन या पॉसेसिव एडजेक्टिव जो भी यूज करना हो पॉसेसिव एडजेक्टिव पॉसेसिव प्रोनाउन जो भी यूज करना हो उसको हम लोग यूज करेंगे प्लूरल नंबर में ठीक है तो अब फिर से हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ पे इस टेबल में अब देखिए एक से ज़्यादा की चर्चा हो गई तो एक से ज़्यादा हुआ तो अब एक से ज़्यादा के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे देव फैमिली अब देखिए या तो देयर का यूज़ करेंगे या तो देअर्स का यूज़ करेंगे यदि नाउन के साथ यूज़ करना होगा तो हम इस देयर का यूज़ करेंगे बिना नाउन का यूज़ करना होगा तो इस देयर्स का यूज़ करेंगे बात समझ में आई जैसे ही एक से ज़्यादा की चर्चा हो गई हम लोग यूज़ करेंगे देयर या देयर्स का देखिए इस टेबल को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं यह है कॉलम नंबर वन कॉलम नंबर टू कॉलम नंबर थ्री कॉलम नंबर फोर ठीक है इसी तरीके से आपको इसको याद रखना होगा इसको जितनी जल्दी हो आप याद कर लीजिए कॉपी पे लिख के रख लीजिए सुबह दोपहर शाम दो बार तीन बार कम से कम इसको आप रिवाइज करते रहिए ठीक है सो दैट कि आगे चल के प्रोनाउन के ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जहाँ पे इस टेबल का यूज होगा तो हर बार टेबल को पीछे बैक करके दिखा पाना संभव नहीं होगा इससे बहुत ज़्यादा टाइम हमारा किल होगा तो आप सभी बच्चों से आग्रह है निवेदन है रिक्वेस्ट है सुझाव है परामर्श है कि आप सब लोग इस टेबल को जैसा हम यहाँ पे माई सेल्फ आर सेल्फ योर सेल्फ़ और योर सेल्फ़ हिम सेल्फ हर सेल्फ़ एड सेल्फ दम सेल्फ़्स के साथ लिखवा के रखे थे वन सेल्फ के साथ लिखवा के रखे थे उसी तरीके से इसको सामने लिख के आप रखा करेंगे जब तक हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे जब भी हम लोग क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे नरेशन पढ़ेंगे वॉइस पढ़ेंगे इस टेबल की आपको ज़रूरत पड़ेगी ठीक है बात समझ में आ रही है तो ये टेबल याद करने से यहीं पे नहीं केवल प्रोनाउंस चैप्टर्स में नहीं बल्कि प्रोनाउंस चैप्टर के बाद भी बहुत सारे जगहों पे आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है ठीक है चलिए तो अब यहाँ से आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि हमें किसका यूज करना है देयर का या देयर्स का हाँ तो इसी क्वेश्चन में चल रहे थे हम लोग अब देखिए ये प्रिंस एक हो गया ये प्रिंसेस दूसरी हो गई ये वन प्लस वन इंसान कितने हो गए यहाँ पे दो दो अर्थात ये हो गए प्लूरल ठीक है तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए ये वे क्या है वे यानी तरीका रास्ता ये क्या है नाउन है तो इसके पहले यहाँ हिज का यूज नहीं करेंगे अब हम लोग किसका यूज करेंगे देयर का यूज करेंगे किसका यूज करेंगे, किस करेंगे? देयर का यूज करेंगे तो हिज की जगह क्या आ गया देयर ठीक है अभी हम लोग प्रोनाउन के टेबल का केवल यूज सीख रहे हैं और यूज करके इस टेबल का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना ही हम लोग सीख रहे हैं यहाँ देखिए द टीचर सेड टू द बॉयज दैट वन और टू वर्क हार्ड टू अर्न ये देखिए ये लिविंग क्या है नाउन है तो वन लिविंग लिविंग क्योंकि वन का देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको जो टेबल दिखाया था उस टेबल को हमने कैसे पढ़ा आई माई माइन मी ठीक है इन द सेम वे वन वंस वंस एंड वन प्रत्येक फैमिली का जैसे आई के चारों थे तो उसको हम कहेंगे आई फैमिली वी के चारों थे वी फैमिली यू फैमिली ही फैमिली सी फैमिली इट फैमिली दे फैमिली वन फैमिली और प्रत्येक का हेल्पर उसका फैमिली मेंबर ही होता है प्रत्येक का हेल्पर कौन होगा उसका फैमिली मेंबर ही होगा अर्थात यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो ही तो उसका हेल्पर क्या होगा या तो हिज़ होगा या तो हिज होगा अब ये हिज क्या था पॉजिशिव एडजेक्टिव सॉरी ये पॉसिसिव प्रोनाउन और ये पॉजिटिव एडजेक्टिव ठीक है इन द सेम वे यदि वन का यूज कहीं सब्जेक्ट के रूप में किया गया है तो सामान्य तौर पे हम लोग इसके हेल्पर के रूप में यूज करेंगे वंस का नाउन के साथ कर, यूज करना हो तो वंस का बिना नाउन का यूज करना हो तो फिर किसका यूज करेंगे सिंपल से इस वंस का बात समझ में आ रही है चलिए तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया वंस लिविंग नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं यहाँ पे देखिए इट इज फर्ड दैट हंड्रेड्स ऑफ पीपल देखिए सैकड़ों के तादाद में लोग हो गए हैव लॉस्ट लाइव्स किसका जिंदगी खोए हजारों लोगों ने सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई ठीक है कोई ट्रेसडे हो गई नेचुरल हैपनिंग्स के कारण कोई ट्रेसडे आई होगी तो ये क्या हो जाएगा भाई तो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा देयर लाइव्स देयर का यूज़ क्यों करेंगे क्योंकि यहाँ हंड्रेड्स ऑफ पीपल सैकड़ों लोगों के बारे में बात की गई सैकड़ों मतलब मोर देन वन मोर देन वन का मतलब क्या होगा गया प्लूरल तो प्लूरल के लिए कौन से फैमिली यूज़ करेंगे दे फैमिली अब ये लाइव्स क्या है जीवन क्या है नाउन है तो नाउन के साथ यूज़ करना था इसलिए हम लोग यहाँ क्या यूज़ करेंगे तो हम लोग यूज़ करेंगे देयर का ठीक है और विदाउट नाउन यूज़ करना होता तो हम लोग यूज़ करते हैं देअर्स ठीक है नेक्स्ट चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ और क्वेश्चन है हमारे लिए अब यहाँ से हम लोगों को एक नया कॉन्सेप्ट सीखना है तो इन नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे हम लोग अगले क्लास से तो आज के क्लास को हम यहीं पे समअप करते हैं कंक्लूड करते हैं ठीक है तो इसी तरीके से एकदम बेसिक से आपके जीवन को बदलने वाले इंग्लिश की क्लासेस हम लोग लेकर यहाँ पे आपको आए हैं और आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं ठीक है तो चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं इसके आगे की चीज़ों को हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम लोग वर बी फिर बिटवीन फिर प्रपोजिशन और फिर उसके आगे हो सकता है रिफ्लेक्सिव एम्पेटिक तक भी हम लोग चले या उसके आगे की चीज़ों को भी हम लोग कवर करें तो वन बाई वन जितने भी टाइप्स हम लोगों ने पढ़े हैं आज के क्लास में जिसमें हमने आपको बताया जिसको याद रखने का तरीका हमने आपको बताया डी टू ई टू फिर क्या था आई टू फिर क्या था पी टू फिर क्या था आर थ्री इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं ठीक है चलिए धन्यवाद